सिंह सर, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस इन माय व्यू में। देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए दो तीन दिन जो भी वीडियो नहीं आ पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब उसके बाद से फिर चीज़ें बोर्ड पर भी आएंगी और ऐसे भी आएंगे। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम देख लेते हैं। आपने तो अच्छा फीलिंग लगभग हम लोगों ने टेंस कर लिया है, ठीक है, ये कम्प्लीट है। उसके बाद आपने देखा कि नाउन भी हमने पढ़ा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, टेंस के बाद हम लोगों ने वर्ब भी पढ़ा था, तो वर्ब भी कंप्लीट है। और आपने प्रोनाउन भी देखा, प्रोनाउन भी कंप्लीट है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव पढ़ेंगे आज। आज हम जो करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव में देखिए, ये आप कह लें कि क्या क्या कह सकते हैं, आप क्या क्या देखेंगे। एक तो डेफिनेशन क्या होता है, और मोर ओवर काइंड्स आप कह लें, ठीक है, काइंड, ठीक। और आप क्या सीखेंगे, काइंड कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम और भी चीज़ सीखेंगे, डिग्री, ठीक है, डिग्री आपने पढ़ा होगा। तो डिग्री आप देखेंगे, डिग्री में क्या क्या, एक तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री, और एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो ये चीज़ें क्या करेंगे आप देखेंगे, ठीक है। तो सर, आपने क्या देखा कि ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आगे चलते हैं, आगे जैसे कुछ हम क्वेश्चंस, मतलब कुछ हम सेंटेंस लिख रहे हैं। सीता इज अ क्लेवर गर्ल, ठीक। एक और लिख लेते हैं, ही डज नॉट लाइक दैट बॉय, ये वर्ड एनी ये वर्ड। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें, अब जैसे ये समझ लें, ही गिव मी, ही गिव मी 5 मैंगोज, ये वर्ड। तो इसमें पहले वाले में अगर आप समझे तो ये देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें कि ये वो लड़की है, लेकिन कैसी है, अब मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ वो लड़की कैसी है, वो काइंड बताए, मतलब किस तरीके की है। और इसमें कौन सा बॉय भाई, विच बॉय, मतलब कौन सा लड़का। और इसमें देखिए तो हाउ मेनी मैंगोज। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो दोनों हैं, ये सभी सेंटेंस जिसमें आप देखेंगे, ये पॉइंट्स कर रहे हैं। ये पॉइंट कर रहा है ये लड़की कैसी है, और ये पॉइंट कर रहा है इसके बारे में, और ये पॉइंट कर रहा है इसके बारे में। अब एक चीज़ आपको नज़र आती होगी कि ये मैंगो क्या है, बॉय क्या है, गर्ल क्या है, ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। ये सभी की सभी क्या है, नाउन है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अब अगर हम डिफिनेशन की बात करें, अब अगर हम डिफिनेशन लिखें तो आप समझ सकते हैं
कि अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, ऐसे लिख सकते हैं, अ वर्ड यूज्ड विद नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट पॉइंट आउट द पर्सन एनिमल, ठीक है, एनिमल हो गया, प्लेस, ठीक है, या नेम्स हो गए ETC। तो आपने क्या क्या ध्यान देना है कि जैसे आपने देखा कि अगर कोई इसमें, ये आपको पता हो गया कि ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है। अब इसको अगर आप देखें डेफिनेशन की, अगर हम बात कर लें, अ वर्ड यूज्ड विद नाउन, ऐसा एक, मतलब एक शब्द, कोई शब्द जो नाउन के साथ यूज़ किया गया हो, टू डिस्क्राइब जो वो उसके बारे में बताए, और पॉइंट आउट या फिर वो एक उसे एक पॉइंट करे, उसे एक इंडिकेट करे, ऐसे कहने इशारा करे, क्या द पर्सन एनिमल प्लेस या कोई नेम हो गया, तो फिर वो, और वो जब इस बारे में बताता है विच द नाउन नेम्स और टेल द, ठीक है, तो ये चीजें आपको, तो आपने क्या देखा कि ये क्या हो गया आपका, अ पर्सन एनिमल प्लेस ETC। अच्छा, ये सब की चीज तो बता रहा, लेकिन फिर करता क्या है, टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसमें आपने देखा उसको डिस्क्राइब करता है, कभी हो सकता है कि उसके बारे में उसका वो काइंड बताए कि वो कैसा है, हो सकता है कि वो कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी बताए, डेमोन्स्ट्रेट भी करे, और ये न्यूमरल। तो आप आगे ये भी देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, ये क्वालिटी हो गया, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ये सभी के सभी आगे आप सीखेंगे। तो आपको क्या पता चला कि भाई एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के साथ यूज़ किया गया होता है और जो ये डिस्क्राइब करता है या पॉइंट आउट करता है एक पर्सन एनिमल्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज को, चीज़ों को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या सीखना है इसमें, आगे इसमें आपको ये सीखना है कि जो वर्ड हो, ये जो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव ना दो तरीके से यूज किया जाता है, यूज्ड इन टू वेज, ये दो तरीके से यूज किया जाता है। कैसे कैसे, एक तो यूज किया जाता है एट्रिब्यूटिवली, अभी हम बताते हैं कि क्या होता है एट्रिब्यूटिवली, और दूसरा है प्रेडिकेटिवली, प्रेडी सॉरी प्रेडिकेटिवली, ठीक है, और दूसरा है ये क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एट्रिब्यूटली अगर कोई यूज किया उसे क्या बोलेंगे, और अगर वो प्रेडिकेटिवली यूज किया गया तो वो क्या बोलेंगे। तो अब हम आपको कुछ सेंटेंस लिखते हैं और आपको बताते हैं, जैसे द लेजी बॉय वॉज पनिस्ड, द लेजी द बॉय वॉज पनिस्ड, ठीक। एक और सेंटेंस लिखते हैं, द बॉय इज लेजी, ठीक। ये आप देखिए, दो सेंटेंस को देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका पहला और ये आपका दूसरा।
अब इन द सेंटेंस फर्स्ट, पहले सेंटेंस में अगर आप देखें द एडजेक्टिव लेजी, ये जो एडजेक्टिव लेजी आप जो जो एडजेक्टिव लेजी है आपका, ठीक है, तो ये जो वर्ड एडजेक्टिव है लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द नाउन, मतलब ये देखिए ये क्या किया गया है, नाउन के साथ यूज किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया, बिल्कुल सही किया गया, एज एन मतलब कि एपिथेट और एट्रीब्यूट, तो ये एट्रीब्यूट की तरह यूज किया गया है, ठीक। और देखिए, और दूसरा अगर देखें द बॉय इज लेजी, और ये किसकी तरह यूज किया गया। अच्छा आप हमको ये बताइए, आपने सेंटेंस देखा होगा, सेंटेंस, अच्छा इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, एक होता है सब्जेक्ट, बेसिक पार्ट्स अगर देखें, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है, ठीक है, इट्स नॉट गुड आई थिंक मोर, ठीक है, एक होता है प्रेडिकेट, एक होता है सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। अब जैसे मैं ये कह दूँ कि एन ओल्ड लेडी वॉज स्टैंडिंग, अब आप हमको बताइए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है, क्यों। अब जबकि यहाँ पर ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है कि नहीं है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग यूज किया गया है, तो इसी को बोला जाता है एपिथेट या एट्रीब्यूट, मतलब जब वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाएगा, जब भी कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा या नाउन के साथ यूज किया जाएगा, तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये होगा एट्रीब्यूट होगा। अब दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए, द एडजेक्टिव लेजी इज यूज्ड अलोंग विद द वर्ब इज, ये जो एडजेक्टिव लिखा गया ये वाला लेजी, ये किसके साथ यूज किया गया, इज के साथ, और ये क्या है, वर्ब है, एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, और ये क्या बनाता है, पूरा ये पूरा का पूरा क्या बना दिया, ये प्रेडिकेट बना दिया, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से अब अगर ये ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्या, ये हो गया कि कैसा यूज है, ये यूज है आपका प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली, ठीक, और ये कैसा है, एट्रीब्यूट, ठीक है, इसे आप एट्रीब्यूटिवली कह लें, ठीक, आई बात समझ में आपको, मतलब आपको ऐसे समझना, जब कोई एडजेक्टिव प्रेडिकेट की तरह यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट को छोड़ करके वो वर्ब के बाद यूज किया जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रेडिकेटिव की तरह होगा, प्रेडिकेटिवली उसे बोला जाता है, और जब वो सब्जेक्ट के साथ ही हो तो उसे क्या बोल दिया जाता है, एट्रीब्यूटिवली, क्या बोल दिया जाता है, एट्रीब्यूट बोल दिया जाता है। तो आगे आप जो देखेंगे, आज आज के लिए हम इतना ही करते हैं कि आपने क्या देखा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ठीक है, देखिए अभी तक ये आपने पढ़ा था, और उसके बाद आपने देखा कि ये क्लेवर क्या है, काइंड ऑफ है, तो एडजेक्टिव का डिफिनेशन आपने देखा है, अ वर्ड यूज्ड विद नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन एनिमल प्लेस, ऐसे ही करके, तो उससे क्या होगा, अच्छा हाँ इसमें प्रोनाउन के बारे में भी बताता है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव, अब देखिए अभी तक जो आप जानते हैं अगर उसके बारे में हम बात कर लें, ठीक है, और ये देखा ये एट्रीब्यूटिवली की तरह यूज किया जाता है और प्रेडिकेटिवली की तरह, प्रेडिकेटिवली कब कहेंगे, जब वो प्रेडिकेट में हो, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया गया हो, अगर वो सब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट यूज हो जाएगा, ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा आपने देखा कि अब एक एक सिंपल से वर्ड्स कह सकते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में, ये बताता है नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में क्या करता है, ये बताता है, तो इसका काम क्या होता है, टू डिस्क्राइब अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, अगर ये नाउन के पहले भी आ जाता है। अच्छा आगे हम क्या क्या देखेंगे, आगे आप देखेंगे इसके काइंड्स, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव में ही हम देखेंगे एक इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है और एक
इनडेफिनिट होता है, उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।